अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के खास मौके पर धर्मशाला के मैक्लोडगंज में रहने वाले निर्वासित तिब्बतियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। निर्वासित तिब्बतियों के 5 गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस धरना प्रदर्शन और रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान इन संगठनों ने चीन सरकार और वहां के राष्ट्रपति सी जिनपिंग को जमकर कोसा और उनके खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने जिनपिंग को एक अतिवादी करार देते हुए उसे आम लोगों के मानव अधिकारों का हननकर्ता करार दिया। इन संगठनों को लीड करने वाली तिब्बतियन लेडी रिंजिन ने बताया कि आज जहां पूरी दुनिया मानव अधिकारों की सपोर्ट करती है, वहीं चीन इन मानव अधिकारों की हमेशा खिलाफत करते आया है। रिंजिन ने बताया कि तिब्बत में आज भी अगर कोई घर पर धर्मगुरु दलाई लामा की तस्वीर लगाता है तो उसे 15 साल के लिए कैदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर्यावरण को लेकर आंदोलन करने वालों को भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। चीन ने इस प्रकार की प्रणाली के तहत ना जाने कितने ही तिब्बतियों को आज जेल में बंद कर रखा है, जो कि मानव अधिकारों का सरासर हनन है। रिंजिन ने बताया कि आज वर्ल्ड जस्टिस डे के खास मौके पर उन्होंने दुनिया के तमाम दूतावासों को तिब्बत में मानव अधिकारों की बहाली समेत आजादी का समर्थन करने के लिए ज्ञापन भेजा। साथ ही भारत और अमेरिका से भी आग्रह किया है कि तिब्बत की आजादी के लिए बड़े स्तर पर बात की जाए ताकि धर्मगुरु दलाई लामा दोबारा फिर से वापस तिब्बत जा सकें। वहीं उन्होंने कहा कि तिब्बत में आज 21वीं सदी में भी लोग चीन की दमनकारी नीतियों के आगे बेबस और लाचार हैं और ऐसे हालातों में अगर दूसरे देश आगे नहीं आएंगे तो वर्ल्ड जस्टिस डे को सेलिब्रेट करना बेमानी होगा। तो आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, वर्ल्ड जस्टिस डे। पर सत्य की बात यह है कि इस 21st सेंचुरी में भी, 21 साल की सेंचुरी में भी तिब्बत जैसे देश में अभी भी अधिक मानव अधिकार नहीं है, फ्रीडम नहीं है। और जैसे आप एक हिसोलिनस का फोटो भी रखते हो तो आपको कैदी के तौर पे 10, 15 साल, 20 साल तक की सजा सुनाई दे जाती है चीनी सरकार के द्वारा। तो केवल ये ही नहीं, अगर आप वातावरण के ऊपर भी आप आंदोलन करते हो या आवाज़ उठाते हो, मानव अधिकार के लिए आप आवाज़ उठाते हो, अपने राइट्स, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हो, तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे 60 साल से ज़्यादा, अधिक से भी होते आ रहा है। तो इस साल ये हम आज के दिन को जितने भी यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय दूतावास हैं और दुनिया के जो जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उन सभी से हम निवेदन करते हैं कि तिब्बत की आज़ादी को समर्थन दें। और ख़ास करके भारत सरकार से मैं ये निवेदन करती हूँ कि तिब्बत की आज़ादी ही भारत की सुरक्षा का एक पॉसिबिलिटी होता है। क्योंकि अगर आप गलवान में जो जितने भी अगर हमने बॉर्डर इंकर्शन जो देखे हैं, उससे साफ तौर पे पता चलता है कि चीनी सरकार द्वारा कैसे उन्होंने पॉलिसी रखे हुए हैं। न केवल भारत बल्कि दूसरे जो जितने भी शहर उन कंट्री से, उनको भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे आज 5 गैर तिब्बती संगठन यहाँ पे एकजुट होके एक आवाज़ उठा के पूरे देश भर के जो लीडर्स हैं और खास करके दूतावास से, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ईमेल भी भेज रहे हैं जिसमें हमने स्पेशली खास करके 20 पेजेस के रिपोर्ट को तैयार किया है, जिनमें खास साफ तौर पे लिखा गया है कि इस महामारी के द्वारा ना केवल तिब्बत बल्कि देश जैसे हांगकांग हो गया या इस तुर्किस्तान हो गया, उनमें चीनी सरकार के द्वारा कितनी कड़ी ऑपरेशन पॉलिसीज लागू की गई है। जब पूरी दुनिया का जो अटेंशन था वो कोरोना वायरस के ऊपर था, तो आज हम यहाँ पे इसीलिए एकजुट होकर इधर एक आवाज़ में बोल रहे हैं कि तिब्बत को मानव अधिकार देना चाहिए, तिब्बत में जितने भी अभी कैदी हैं उनको रिहा करना चाहिए, और तो और जितने भी बाकी के देश हैं जो चाइना के